आज दम आलू बनाएंगे। दम आलू बनाने के लिए ऐसा छोटा छोटा आलू लिया है, इसको बॉयल करके ठंडा करके छिलका निकाल दिया है। एक एक आलू को ऐसा प्रिक कर लेते हैं फोर्क से, क्योंकि अंदर तक मसाला जाएगा ना, इसलिए थोड़ा ऐसा प्रिक कर लेते हैं। उसके लिए जो सामग्री चाहिए, तेज पत्ता, हरी धनिया, लाल मिर्ची, धनिया, ग्रीन मिर्ची, अदरक, खसखस और ये खरबूज का बीज और गरम मसाला, दालचीनी, लवंग, इलायची। इन सब गरम मसाला को भून लेते हैं। टमाटर, चार टमाटर ऐसा काट के लिया है। अभी इन सब गरम मसाला को एक कढ़ाई में डाल के थोड़ा भून लेते हैं, एक दो तीन मिनट के लिए ऐसा। एक स्पून जीरा, एक स्पून काली मिर्ची, इस सबको भून लेते हैं। अभी कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, आलू को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तेल गरम होने तक ये सब मसाला को पीस लेते हैं। देखिए टमाटर भी डाल रही हूँ, अभी तेल गरम हो गया है, इसमें मैं आलू डाल रही हूँ, थोड़ा इसको फ्राई कर लेते हैं। लाइट रोज कलर जैसा, देखिए थोड़ा अच्छा इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है आलू का। अभी निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के हींग, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर तेल में डालने से रंग अच्छा आता है, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा इस फ्राई कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। जो मसाला पीस के रखा है ना, वो मसाला भी इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स हो गया, तेल छूट रहा है। स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए कितना अच्छा ये पक रहा है, तेल छूट रहा है। तेल छूटने तक इसको ऐसा ही फ्राई करना है। अभी मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें डाल रही हूँ। देखिए ग्रेवी अच्छा बन गया है। अभी इसमें तल के जो रखा है ना आलू, वो भी इसमें डाल रही हूँ। अभी इसको प्लेट बंद करके 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए अभी आलू पक गया है, इसको सर्विंग बाउल में निकाल करके गार्निश के लिए धनिया डाल रही हूँ। दम आलू रेडी।